सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 11 Pro Plus 5G एंड Poco X4 Pro 5G एंड Poco M4 Pro 4G एंड Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max एंड Poco M2 Pro डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिल गया है। सो गाइस, उस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस के यूजर्स को ना कुछ बग एंड इशू फेस करना पड़ रहा है। सो गाइस, वो बग एंड इशू है हीटिंग प्रॉब्लम एंड बैटरी ड्रेन का इशू। सो गाइस, ये बग एंड इशू को आप कैसे फिक्स करेंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि ये सारे डिवाइस में न्यू सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, एंड गाइस ये अपडेट में ना आप लोगों को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, अगर आप भी हैं ये सारे डिवाइस में से कोई भी डिवाइस के यूजर्स, तो यार वीडियो को ना शुरू से तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं Redmi Note 11 Pro Plus 5G एंड Poco X4 Pro 5G डिवाइस के बारे में। तो गाइस, ये डिवाइस में ना न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है, जिस अपडेट का वर्जन आप लोग को MIUI 13.0.3.0 का देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइस, ये अपडेट का फाइल साइज 278 MB के अप्रॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है। गाइस, इतना छोटा फाइल साइज उन्हीं यूजर्स को देखने के लिए मिला है जिन यूजर्स को MIUI 13 अपडेट के साथ में एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए मिल गया था। तो गाइस, उन्हीं यूजर्स को ना इतना छोटा फाइल साइज देखने के लिए मिला है, एंड जिन यूजर्स को एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला था, तो गाइज उन्हीं यूजर्स को ये अपडेट का इतना छोटा फाइल साइज देखने के लिए मिला है जिन्हें एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए मिला हुआ था। एंड गाइज, जिन यूजर्स को एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला हुआ था, गाइज उन्हें यहाँ पे अप्रॉक्स 3 GB के आसपास में फाइल साइज देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम बात करें कि यार अभी जो अपडेट देखने के लिए मिला है MIUI 13.0.3.0 का, तो गाइज ये अपडेट में आप लोग को क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिला है, तो वो है गाइज अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच 2 अक्टूबर 2022 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। इट मीन्स यार अपडेट कर दिया गया है तो सिक्योरिटी पैच को, यानी कि जैसे ही आप अपने डिवाइस को ना MIUI 13.0.3.0 वर्जन के साथ में अपडेट करेंगे तो आपके डिवाइस का जो सिक्योरिटी पैच होगा ना वो अक्टूबर 2022 में रन करने लगेगा। गाइस, ये अपडेट अभी पायलट यूजर्स को मिलना स्टार्ट हुआ है, एंड गाइस पायलट यूजर्स को अगर कोई भी मेजर बग या इशू देखने के लिए नहीं मिलता है तो अपडेट उसके अप्रॉक्स 1 वीक बाद सभी यूजर्स के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, इसी वजह से आप थोड़ा सा अलर्ट रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। सो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, तो वो आता है यार Poco M4 Pro 4G का। गाइस, ये डिवाइस में जो अभी अपडेट रन कर रहा है, जिस अपडेट का वर्जन है MIUI 13.0.2.0 का। गाइस, ये अपडेट को मिले हुए टाइम हुआ तो बहुत ही जल्द एक न्यू सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है, जिस अपडेट का वर्जन में भी हो सकता है MIUI 13.0.3.0 का। एंड गाइस, ये जो अपडेट होने वाला है ना वो एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट होने वाला है, जिस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को एनहांस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि ये अपडेट आप लोगों को कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो देखो यार थोड़ा सा आप वेट कर लो, हो सकता है कि आप लोगों को ना नवंबर महीना के एंड वीक तक अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, या फिर गाइस उससे पहले भी पायलट यूजर्स को अपडेट मिलना स्टार्ट तो हो सकता है। सो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, तो वो आता है यार Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max एंड Poco M2 Pro का। गाइस, ये डिवाइस में ना MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए मिल गया, जिस अपडेट का वर्जन आप लोगों को MIUI 13.0.1.0 का देखने के लिए मिला था, एंड फाइल साइज वही अप्रॉक्स 2.7 GB के आसपास में देखने के लिए मिल गया था। तीनों डिवाइस में जो फाइल साइज है ना वो थोड़ा बहुत के डिफरेंस में ही देखने के लिए मिला था। सो गाइस, अब जो है ना कुछ बग एंड इशू यूजर्स फेस कर रहे हैं, वो है हीटिंग प्रॉब्लम एंड बैटरी ड्रेन का इशू। तो यार हीटिंग प्रॉब्लम जो देखने के लिए मिला है वो तो एक बग है, लेकिन बैटरी ड्रेन का जो इशू देखने के लिए मिला है ना, तो यार आप लोग को मालूम होगा कि MIUI 13 के अपडेट में काफी सारा एक्साइटिंग फीचर्स देखने के लिए मिला है। सो गाइस, अब वो फीचर्स को तो इस्तेमाल करते होंगे, इसी वजह से ही आप लोग को लग रहा है कि बैटरी ड्रेन हो रहा है, लेकिन यार अगर ज्यादा बैटरी ड्रेन अगर होता होगा, वैसे तो कुछ यूजर्स बता रहे थे कि थोड़ा बैटरी ड्रेन का भी इशू
इशू फेस कर रहे हैं। अगर ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता होगा तो आप लोग को जो नेक्स्ट सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है उस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस की सिक्योरिटी पैच को इन्हेंस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पर फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि ये अपडेट का वर्जन क्या होगा तो मे भी हो सकता है MIUI 13.0.2.0 का। यानी यार ये अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो मे भी हो सकता है कि आप लोग को दिसंबर महीना के एंड वीक या फिर जनवरी महीना के फर्स्ट वीक में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, वो है यार Redmi 10 Prime का। या Redmi 10 Prime डिवाइस में MIUI 13.0.4.0 का अपडेट देखने के लिए मिल गया है। एंड गाइस ये अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 2.7 GB का देखने के लिए मिलता है। एंड गाइस ये अपडेट सभी यूजर्स को मिलना स्टार्ट है। सो गाइस अभी जिन यूजर्स को अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है तो वो यार 2 से 3 दिन का वेट कर लो, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप लोग को अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइज इन सारे डिवाइस में फ्यूचर में जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट होगा तो यार आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पर न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइज फिलहाल में अभी के लिए इतना ही।